आज सुबह न्यूज़पेपर में महतारे शब्द पढ़ते ही मंगलू का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। वो अपनी माँ को महतारी कहता था। एक पांव से विकलांग मंगलू माली का काम करता था। परिवार में कहने को अंधी माँ और खुद मंगलू रहते थे। मैं पेशे से वकील हूँ। सोसाइटी में जब से मंगलू को देखा तब से आज तक उसे फूलों और अंधी माँ की देखभाल करते ही देखा। शारीरिक रूप से कमजोर होते हुए भी कभी भी मंगलू के मन में किसी और के प्रति दुश्मनी या काम चोरी की भावना नहीं देखी। हर दम हंसते हुए सबका एक काम ज्यादा ही करता। जब भी वह सामने होता कई सारे सवाल मन को कुरेदने लगते। नहीं मालूम अंधी माँ ने कैसे विकलांग मंगलू को जन्म दिया या बाद में विकलांग हुआ वो, और ये भी नहीं मालूम अंधी माँ ने शिशु को कैसे पाला होगा। माँ भी उसके जन्म से पहले ही विकलांग थी या बाद में किसी दुर्घटना का शिकार हुई। जानने का मन तो बहुत हुआ पर घाव कुरेदने पर उसे पीड़ा होगी इस एहसास ने कभी पूछने भी नहीं दिया। पहली बार जब इस घर में शिफ्ट हुई जब मंगलू को देखा तो 20 साल का दुबला सा एक पांव से विकलांग मंगलू को सोसाइटी में बगीचे की देखभाल करते देखा। मुझे पेड़ पौधों का बेहद शौक है। सोचा नए घर में माली देखभाल करेगा तो बगीचा जल्द ही हरा हो जाएगा, तो मंगलू को पौधों की देखभाल करने के लिए कहा। वह तुरंत मान गया और जब तनख्वाह के लिए पूछा तो मुस्कुराकर बोला, सभी लोग अपने मन से जो उचित लगता है दे देते हैं, आप भी मैम जो उचित लगे दे देना। मन लगाकर उसने काम शुरू कर दिया। उसकी उचित देखभाल से घर में जल्द ही बगीचा महक उठा। बिना पूछे गमले पौधे लाकर लगा देता। किचन गार्डन तो छोटे छोटे खूबसूरत गमलों से इतना खूबसूरत सजाया था जिसे देखकर मन खुश हो गया। रोज आता और बगीचे में भरपूर मेहनत करने के साथ साथ घर के दूसरे दो काम भी कर देता। उससे खुश होकर मैं मंगलू को रोज चाय नाश्ता देती। वह खुशी खुशी लेता मगर घर के बाहर जाकर खाता। कई बार कहा यही खा ले, बोला कुछ नहीं पर बाहर ही ले जाता और करीब 20-25 मिनट बाद खा कर आता। कभी कभी ज्यादा देर भी लगा देता। उसके ऐसा करने से मुझे एक दो बार कोर्ट जाने में भी देर हो गई। एक दो बार तो कुछ नहीं कहा, फिर टोकना पड़ा। थोड़ा जोर से बोलना पड़ा, क्या मंगलू एक कप चाय पीने में इतनी देर लगाता है और बाहर क्यों जाता है, यहीं पी लिया कर। सहमे मंगलू को देख मैंने फिर प्यार से कहा, पगले डांट नहीं रही, बस कह रही हूं यहीं खा लिया कर, बिना वजह बाहर जाकर खाता है। फिर मंगलू धीरे से बोला, मैम मेरे साथ मेरी अंधी माँ को भी लाता हूँ, घर पर अकेले नहीं छोड़ता। यहाँ काम करते सारा दिन लग जाता है, वहाँ अकेली वो परेशान हो जाती है। बीच बीच में उसे देख आता हूँ और लोग जो मुझे खाने को देते हैं ना वो मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ, माँ को भी खिलाता हूँ। उसी में देर हो जाती है, माँ को नीचे पार्किंग में छाए में बैठा कर आता हूँ। पहले घर छोड़ता था तो ये सड़क पर निकल आती थी तो लोग इसे भिखारिन समझकर भीख दे जाते। मैम मैं इसका बेटा जिंदा हूँ, मेरे होते हुए माँ भीख मांगे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। पांव से विकलांग हूँ, दिल और दिमाग से नहीं जो माँ को भीख मांगने दूँ। मैं एक टक देख रही थी उसे और उसके चेहरे पर छाए पुत्रत्व के अभिमान को और माँ के प्रति कर्तव्य परायणता की चमक को। ये सब कहते हुए कैसे सीना फूला हुआ था उसका। मन में सहसा एक प्रश्न उठा, दिल दिमाग को मथता हुआ हलक में एक कड़वाहट खोल गया। असमर्थ गरीब और विकलांग मंगलू अपनी अंधी माँ के स्वाभिमान को बनाए रख सकता है, तब वृद्धाश्रम में रहने वाले माता पिता जिनकी संतान सब तरह से समर्थ है माता पिता के स्वाभिमान को ठोकरें खाने के लिए घर से बाहर कैसे कर देते हैं। मंगलू तो सिर्फ पांव से विकलांग है और वो अमीर ज्यादे लोग तो दिल और दिमाग से विचारों से विकलांग है। एक विचित्र संयोग देखिए, आज सुबह एक करोड़पति पुत्र अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने की पूर्ण जानकारी लेने मेरे पास आया।
ताकि कानूनन रूप से माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने के बावजूद भी उसके पैसे प्रॉपर्टी पर माँ अपना हक ना जता सके। और तभी मंगलू अपनी तनख्वाह ना लेते हुए बोला, मैम मेरे घर का गुजारा दूसरे लोगों की तनख्वाह से चल जाता है, आपका काम नया है, इन पैसों से आप मेरी माँ के लिए नई साड़ी ला दीजिएगा। बहुत दिन से सोच रहा था मगर ला ही नहीं पाया, कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा मन कैसा हो आया होगा सोचिए जरा, एक ही दिन में दो तरह के बेटों से मिलना हो गया, एक के पास सब कुछ होते हुए भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं था और दूसरा जिसके पास कुछ नहीं था मगर अपनी माँ के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार था। दोस्तों, शारीरिक विकलांग होना समाज और परिवार के लिए इतना नुकसानदायक नहीं होता जितना दिल दिमाग और विचारों से विकलांग होना। आज की पीढ़ी में माता पिता की सेवा करने के संस्कार ही नहीं है, जरूरत है बच्चों को परिवार का महत्व उससे जुड़े हुए संस्कार सिखाए जाए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।